जाएगी, उसमें कीमती आभूषण भी होंगे, फल मिष्ठान सूखे मेवे और वस्त्र भेजने की भी खास तैयारी की गई है। रामलला के लिए खास तौर से धोती गमछा बनियाइन होगा, जो मिथिला की धरती की सदियों पुरानी परंपरा भी रही है। सुनिए जरा यहां के साधु संत और पुजारी क्या कह रहे हैं। 70 वर्ष की लमसम में रामलला जो पंडाल में रहती थी, अब उनका घर बन रहा है और उस घर में जो है सो गृह प्रवेश होने जा रहा है और उस गृह प्रवेश में हमारे बेटी माता जानकी की जो प्रवेश होंगे। यहाँ के लोग अपने अपने घर से कुछ न कुछ साठ बाँट के समान वो सब व्यक्ति जो है सो यहाँ से लेके अयोध्या तक जो है सो जाने का प्रयास में। तो आपने सुना पुजारी जी को, लेकिन देखिए जरा अयोध्या की तस्वीर। ये अयोध्या की भव्य तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, सरयू घाट की तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरह दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या सजी हुई है, रोशनी से नहाई हुई है। अब आपको बताऊं, एक और तस्वीर दिखाऊं मैं, राम मंदिर जो बन रहा है उसके मॉडल है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। ये मॉडल्स हैं और इनकी डिमांड बढ़ गई है, लोग अपने घरों में इस मॉडल को रखना चाहते हैं और विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं इस राम दरबार को खरीदने के लिए। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम आखिरी चरण में है, बस चंद दिनों की बात है जब लोगों की सदियों पुरानी इच्छा पूरी होगी। यही वजह है कि अयोध्या में श्री राम को लेकर आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्री राम मंदिर के उद्घाटन में अब बस एक महीना बाकी है, उद्घाटन से पहले ही वहां भक्तों का तांता लगा हुआ है। हर वर्ग जाति समुदाय के लोग अयोध्या आ रहे हैं और यहां तक कि दूसरे धर्मों के लोगों में भी इसे लेकर उत्सुकता है। मंदिर को लेकर देश में ही नहीं विदेश में भी जबरदस्त क्रेज है, इसलिए उद्घाटन से पहले मंदिर के मॉडल खूब पसंद किए जा रहे हैं। जगह जगह श्री राम मंदिर के मॉडल बनाए जा रहे हैं और ताकि लोगों की इच्छा पूरी की जा सके, उनकी मांग को पूरा किया जा सके। मंदिर के मॉडल की खरीदारी इतनी बढ़ गई है कि मशीनों से मॉडल बन रहे हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर यह मॉडल देख रहे हैं, वो प्लाईवुड से तैयार किए गए हैं जो देखने में बिल्कुल राम मंदिर जैसे लगते हैं। मंदिर के मॉडल अलग अलग साइज में उपलब्ध हैं। ज्यादा खरीदे जाने वाले मॉडल 2000 से 3000 रुपए के हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन मंदिर के 2.5 लाख मॉडल बिक रहे हैं। इनकी मांग केवल देश नहीं विदेशों से भी है, अमेरिका इंग्लैंड जर्मनी से इनकी मांग आ रही है और इसलिए अयोध्या और उसके आसपास दुकानों में मंदिर के मॉडल की बिक्री का धंधा चल निकला है। हमारी सहयोगी सृष्टि वहां पहुंची जहां ये मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, उनकी जरा रिपोर्ट देखिए। आखिरकार जिनके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आया, अवध आदित्य जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अयोध्या के ही रहने वाले हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। अवध जी, अभी जानकारी मिल रही है कि अमेरिका से आपके पास ऑर्डर आया है ये मंदिर मॉडल बनाने का, उसके बारे में कुछ बताइए। जी, हमारे पास अमेरिका से ऑर्डर आए हैं, बड़ी मंदिर से लेके छोटी मंदिर तक उनको चाहिए। हाँ। जी, तो ये क्या, जैसा आपने बताया कि मॉडल्स जो है जो लोग लेकर जाते हैं उनको लगता है पूरी अयोध्या अपने साथ लेकर जा। जी जी, ये हमारे पास अक्सर फोन आते रहते हैं, जैसे ऑनलाइन में हमारे पास जहाँ पे जाते हैं तो वहां से जब फोन आता है कि सर आपने जो है मंदिर का मॉडल नहीं पूरी अयोध्या भेज दी है। तो आपने सुना जो मॉडल बना रहे हैं वो मॉडल अब पूरी दुनिया में खरीदा जा रहा है, डिमांड बढ़ गई। खबरों में आगे बढ़ते, कांग्रेस राज में हिजाब की क्या वापसी होने वाली है, बीजेपी सवाल उठा रही। कर्नाटक में पिछले दिनों स्कूल कॉलेज में हिजाब को लेकर जो बवाल हुआ था वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अब खबर यह है कि कर्नाटक सरकार, क्योंकि कांग्रेस की सरकार आ गई है, क्या फिर से स्कूलों में हिजाब को इजाजत दे देगी। सिद्धरमैया जो कर्नाटक के सीएम है, कर्नाटक के में हिजाब पर कोई प्रतिबंध नहीं है, उन्होंने कहा हम लोग ये निर्णय वापस लेंगे और महिलाएं हिजाब पहनकर बाहर जा सकती हैं। पहले की सरकार को आदेश को वापस लिया जाएगा। पहनना खाना निजी पसंद है, मुझे आपत्ति क्यों करनी चाहिए, जो पहनना है आप पहनो, जो खाना है आप खाओ और वोट के लिए हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, बीजेपी को संविधान पढ़ना चाहिए। सिद्धरमैया कह रहे हैं, बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री कर्नाटक के, उनका कहना है मुसलमानों को खुश करने के लिए सिद्धरमैया ने बयान दिया है, उन्हें अपना बयान फौरन वापस लेना चाहिए। यह केवल हिजाब से प्रतिबंध नहीं हटा है, कर्नाटक शरिया की तरफ बढ़ रहा है। सिद्धरमैया पर येदियुरप्पा ने कहा अगर इंडी गठबंधन जीता तो देश में इस्लामिक कानून लागू हो जाएगा, कांग्रेस की सरकारें इस्लामिक कानून लागू कर रही हैं। सुनिए जरा
सिद्धारमैया को और गिरिराज सिंह उन्हें जवाब दे रहे हैं। हिजाब अब वापस लगा पड़ते ये हिजाब हिलाएगा आदेश वापस तकड़ी ड्रेस हाकड़ो ऊट माड़ो निम्ग सेर नान अड्डीपड़ी कांग्रेस पार्टी की सरकार है कर्नाटक में और हिजाब पे प्रतिबंध उठाया है। ये महज हिजाब पे प्रतिबंध नहीं उठाया है बल्कि शरिया कानून को स्थापित किया है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सरकार देश में बनी तो इसी तरह से इस्लामिक कानून शरिया कानून लागू होगा। बहरहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही 51% वोट का रख लिया है और पीएम ने कह दिया है कि किसान महिला और युवाओं से जुड़ा हुआ विकास का मॉडल जनता को बताएं, उन तक पहुंचे। लेकिन आज पूछता है भारत, इंडी अलायंस इसके लिए तैयार है क्या? कांग्रेस के साथ बाकी पार्टियां इस टारगेट को रोकने में कामयाब हो पाएंगी? क्या करेगा आखिर इंडी गठबंधन, क्योंकि वहां तो हड़बड़ी है, गड़बड़ी है। नीतीश कह रहे हैं कि जल्दी से सीट का बंटवारा हो जाए, लेकिन आखिर होगा कैसे? उनकी पार्टी के नेता गोपाल मंडल तो कह रहे हैं कौन खड़गे फड़गे हम नहीं जानते।